अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब नाज़रीन खैरियत से होंगी। आज हम बात करेंगे PSL 7 के बारे में। नाज़रीन, जैसी आपको पता है कि PSL 7 27 जनवरी से शुरू हुआ है और 27 फरवरी तक कराची और लाहौर में होने वाला है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन खिलाड़ियों के बारे में जो अभी तक PSL के लिए नहीं पहुँचे थे, जिनमें इंग्लैंड के 6-7 खिलाड़ी शामिल थे। तो हम बात करेंगे इन खिलाड़ियों के बारे में जो उनकी मसरूफियात थी वो ख़त्म हुई है, जो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ दौरा खेल रही थे वो दौरा ख़त्म हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि उनमें कौन कौन पाकिस्तान पहुंच गए हैं, कौन कौन रास्ते में है, कौन कौन बाद में आएंगे। तो तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारी वीडियो आखिर तक देखिए, शुक्रिया। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप पहली बार हमारी यूट्यूब चैनल ज़ल्मी टीवी में पहले बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ज़ल्मी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह PSL 7 अपडेट वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि इंग्लैंड की जो प्लेयर थी, जिनमें क्विटा ग्लेडिएटर की 2 प्लेयर शामिल थी, जिनमें जेसन रॉय और जेम वेंस थे। पिशावर ज़ल्मी की 2 शामिल थे, जिनमें लियाम लिविंगस्टन और साकिब महमूद। लाहौर कलंदर से हारे ब्रोक्स, कराची किंग्स से क्रिस जॉर्डन, जबकि रेस्टोपली पहले ही बाहर हो चुका है। लेकिन हम बात करेंगे उन प्लेयर के बारे में जो अभी तक पाकिस्तान आए हैं और जो आने वाले हैं। अभी तक पाकिस्तान जेसन रॉय, जेम वेंस, हारी ब्रोक्स, साकिब महमूद और क्रिस जॉर्डन पहुंचे हैं, जबकि लियाम लिविंगस्टन के बारे में अभी तक कोई मालूमात नहीं कि वो कब तक पहुंचेगा। जो करंटीनिया की बात थी, उसी में तो हमने कहा था कि 3 दिन क्वारंटाइन होगी वो खिलाड़ी जो अभी आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जेम वेंस आज क्वेटा के लिए खेल रहे हैं, तो इसीलिए कुछ क्वारंटाइन नहीं है। तो इंशाल्लाह कल ज़ल्मी की जो मैच है, इसी में अंदाज़ा है कि क्रिस जॉर्डन और साकिब महमूद भी खेले। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे YouTube चैनल ज़ल्मी टीवी में पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज़ल्मी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह अपडेट वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।